इतिहास तो नहीं है क्योंकि मैं कभी कभी नहीं बोला, और यहाँ मुझे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे कैसे बात शुरू करनी चाहिए। मुझे लेखक बनाने में सबसे पहले जो सबसे पहला जो मेरा छोटा सा एक छपा था बेमिसराय को इसका धन्यवाद जाता है। हम लोग वसुंधरा में थे, बेमिसराय के घर पे आए थे हम लोग अरजीत थे, तो उन्होंने कहा कि बस एक छोटी सी घटना थी, उन्होंने कहा कि आप लिख जाइए तो जैसे भी होगा लिखिए, और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जैसे मैंने लिखा वैसे ही उन्होंने छापा। उसके बाद जो है उसी छोटे से उस पे एक इंतजार नहीं थे, उन्होंने दलित अस्मिता में उसी हास्य पे एक कविता भी लिखी। और दूसरा श्रेय जाता है रमणिका जी को, इन्होंने मजबूत ढोता भारत में जो छापा मेरा, उसके बाद एक और में छापा, तो इनकी वजह से फिर क्या यहाँ मौका मिल रहा है बोलने का। नहीं तो हम तो बचपन में सुअर चराते थे, उसके बाद दिल्ली में हमने कालका जी में कागज बीनते थे, तो हमें इतना वो नहीं है मतलब कैसे बोला जाए। कई लोग तो अच्छे पर बोलते रहते हैं, उन्हें आदत पड़ी रहती है। उसके बाद मैं बस कंडक्टर रहा हूँ 11.5 साल, तब भी हमें नहीं पता चला कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या बात करना चाहिए, साहित्यिक चर्चा कैसी करनी चाहिए। लेकिन ये जो लिखने का जो है अपनी बातों को विडंबनाओं को विसंगतियों को फील करने का ना बहुत पुराने टाइम से ही था। मैं अभी पुराने कागजों को जब देखता हूँ तो मेरा 77 का शायद कोई था जिसमें मैंने जो हमारी 7-8 कॉपी लिखते हैं उस कॉपी में मैंने आत्मकथा एक लिख के शीर्षक उस पर लिखा था मैंने। तो ये लिखने का तो बहुत पहले से था, शुरुआत में हम लोग लिख रहे थे तो वापस आया थे जैसे खेल खेल से ही वापस आया था। कई बार तो हमने पैसे भी पोस्टर ऑर्डर करा के 25-25 रुपये भेजे तब भी नहीं छपता था। लेकिन अभी हाल ये है कि पुस्तक मेले में जाओ तो अभी कहते हैं दलित साहित्य आजकल, वो कहते हैं यार आत्मकथा लिख दो ना फटाफट लिखो, फेसबुक पर आप देखेंगे कई बार कह रहे हैं भैया लिख डालो फटाफट। तो अभी सामाजिक न्याय का जो है मेरा ये है कि हमें ना जो चीज़ पढ़ते उसे लागू करने वाला मेरा अपना इस तरह का सिस्टम है। जैसे मैंने अम्बेडकर को 6 क्लास में पढ़ा, तो अम्बेडकर को मैंने जैसे ही पढ़ा के उन्होंने किस हालात में पढ़ा तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं कागज पीता था दिल्ली में मैं तब भी पढ़ता था, भट्टे में ईटर निकलवाने में छाते रहे तब भी पढ़ते रहते, अभी भी पढ़ते रहते। अभी मैंने 2010 में LLM खत्म किया है। मेरे दिमाग से मुझे बेचैनी नहीं लगी रहती, अभी 2012 के बाद कुछ नहीं किया तो मुझे लगता कि गैप सा आ गया कुछ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उस चीज को जीना चाहता हूँ, सिर्फ सैद्धांतिक रूप में नहीं प्रैक्टिकल रूप में। मैं अपने ऑफिस में सामाजिक न्याय में अभी मैंने इतना RTI अपने ऑफिस में ही लगा रहा हूँ, मेरे 4 महीने बचे हुए हैं तो मेरे नाम ने रजिस्टर बना दिया रखे मुझे पिछले दिनों 4 सीट कर दिया गया, मेरी तनख्वाह भी बर्बाद। मुझे चिंता थी कि दिमाग हमारे पास है ये तो झूठे हैं, तो कुछ ही नहीं हुआ मेरी तनख्वाह का, तो सब कुछ हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। घर में सामाजिक न्याय की बात है तो मैंने जो परंपरागत रूप से हम पत्नी मानते हैं, मैंने अपनी पत्नी को कभी परंपरागत रूप से पत्नी नहीं माना, फ्रेंडशिप के रूप में मैंने माना है। और 25वें अभी मैंने किया था एक वसुंधरा में किया हूँ, वो आए थे अपने सुराज सिंह जी, तो तब मैंने किया था, तो एक कविता लिखी थी मैंने कि तुम पत्नी नहीं बन पाई, ब्रैकेट इस तरह की थी 5-6 लाइन की, मैंने कभी नहीं माना। मेरी बेटी ने इंटर पास मैरिज कर ली, उसको मैंने सुविधाजनक रूप में अपने बच्चों को मतलब ये चीज़ें परिवार में अपने ऊपर लागू करना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय तो मैं तो करता हूँ कि पढ़ने लिखने में क्या कहेंगे उसको कि खुद भी आप पढ़िए तो लोगों नसीहत, ऐसी वो वाली बात होनी नहीं चाहिए कि आप कहते रहे कुछ भी और अपने ऊपर लागू ना करें उन्हें। तो ये बात है कि मुझे नहीं समझ में आ रही मुझे और आगे बात कैसे कहनी चाहिए, लेकिन एक कविता अगर कहने का मौका मुझे मिले धन्यवाद। नहीं लंबी नहीं छोटी सी कविता है, क्योंकि असल में मुझे लगता है कि मैं साहित्य में लिखने में कविता के रूप में छोटी छोटी बात अपने एक्सपीरियंस को लंबी बातों को ना छोटे शब्दों में कह सकते हैं। ये अंबेडकर का और सरस्वती का है,
जो मैं हूँ यहाँ अम्बेडकर की वजह से हूँ, सर की वजह से नहीं, वो थोड़ा सा गोल था। अर्ध शताब्दी के परिश्रम, 60 होने वाली है, अर्ध शताब्दी के परिश्रम और सालों की साधना के बाद हमने सोचा सरस्वती पूजा करो, सारी दुनिया करते ना दिए जला के घंटी बजा के। अर्ध शताब्दी के परिश्रम और सालों की साधना के बाद सरस्वती मुझसे बोली, अरे वो चांडाल भंगी तू मुझे भरेगा, पता तू किस पर कविता करेगा। परिश्रम से टूटे पसीने से भीगे उजले मन और गंदे तन के स्वामी, तेरे कल्पना रही मस्तिष्क पर तेरे अनुभव भारी है, तेरे मस्तिष्क में ताजे खून सड़े खून सूखे खून हर प्रकार की बीमारी वाले व्यक्तियों के खून नवजात से लेकर मरणासन्न व्यक्तिगत भू की दुर्गंधकारी है, जमींदार सूदखोर और बेगारी खोर का भय भरा है और भरी है छोड़ी चोत मादक चोत जैसी गालियां, भरा हुआ है नालियों का कूड़ा, बरसात में महामारी के चीथड़ों की गंध, पेटी का भक्का जो होती थी तीन के डब्बे में बंद, नगर निगम के सड़ते हुए और भंते उफान मारते शौचालय, बिलबिलाते हुए कीड़े, चाचा ताऊ काम गुहान रिश्तेदारों की बहु बेटे के साथ किए गए बलात्कार का दंश, गुरु घंटालों की चलाकी, अपनी लाचारी साहूकार की देनदारी, इंतजार के बाद भी ना मिलने वाली बेदारी, माँ का चाचा बाप का डंडा, भाई की मजबूरी चाचा की बेकारी, ऐसा में मौत का तांडव, बेचने की कमाई ठेकेदार द्वारा की गई लुटाई, देवता की कढ़ाई, भंगियों का मामला है, देवता की कढ़ाई, देवी का बच्चा, पोन की बोतल, पीर का मुर्गा, पुलिस का फंडा, पोली का गंडा, सुअर का लिंडा, चार बार पुजारी का चंदा और टीचर द्वारा की गई माँ बहन की गाली के कारण ना पढ़ पाने का दर्द इस कदर हावी है कि अध्ययन मनन और चिंतन कल्पना उड़ान आनंद का मन तेरे हिस्से में नहीं है और तुझसे तो ये सब तो हार गई, लेकिन अम्बेडकर की वजह से मैंने मैं यहाँ हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद आपके।